जैसे ही फ्रेंड्स कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो स्टार्टिंग मंथ से ही उसके शरीर में अलग अलग तरीके के चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में उल्टी, चक्कर, जी मितलाना, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है कि इनमें से जो कुछ प्रॉब्लम होती हैं वो नॉर्मल होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम भी प्रेगनेंसी में देखे जाते हैं जो एबनॉर्मल होते हैं, जिससे आपके बच्चे को खतरा हो सकता है और आपकी प्रेगनेंसी को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है जो ये लक्षण दिख रहे हैं वो मिसकैरेज के हों, प्रीमैच्योर डिलीवरी के हों, या बच्चे में कोई दिक्कत है इस वजह से ये लक्षण आपको दिख सकते हैं। तो वो कौन से लक्षण हैं, यही आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है रेशू और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आप देख रहे हो रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड जैसे आप भी प्रेग्नेंट हो तो आपको इन लक्षणों पर जरूर ध्यान देना चाहिए जो मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि आगे चल के आपकी प्रेगनेंसी को और गर्भ में बच्चे को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहला लक्षण जो है जिसको देखकर आपको अलर्ट हो जाना है, डॉक्टर से मिलना है, वो है रेड ब्लीडिंग। अगर आपको किसी भी मंथ में स्टार्टिंग 1 से लेकर 9 महीने तक आपको कभी भी रेड ब्लीडिंग नज़र आती है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, तुरंत डॉक्टर से मिलना है। ये खतरे का लक्षण होता है। अगर ये शुरुआती टाइम में होता है तो ये मिसकैरेज का कारण होता है। अगर ये आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है तो ये प्रीमैच्योर डिलीवरी का लक्षण होता है। और अगर आपको ये 9वें महीने तक होता है तो ये डिलीवरी का लक्षण होता है, मतलब आपकी डिलीवरी होने वाली है। तो कुल मिला के जब भी आपको रेड ब्लीडिंग नज़र आती है आप तुरंत हॉस्पिटल भागें। दूसरी चीज़ जो प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी सही नहीं होती है, रिस्की होती है आपकी प्रेगनेंसी के लिए, वो है आपके चेहरे पर सूजन। जैसे कि आप सुबह सुबह उठते हो और आपको चेहरे पर थोड़ी सी सूजन नज़र आती है और वो थोड़ी देर बाद सही हो जाती है, तो ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि दिन में कभी भी आपको सूजन आ गई है, अचानक से पूरे दिन ही सूजन बनी हुई है, सूजन आपके चेहरे से नहीं जा रही है, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क वाला लक्षण हो सकता है। ऐसे में आप तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाएं। इसके बाद है तीसरा लक्षण जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता है, वो होता है तेज़ सिर दर्द। कभी भी आपको पूरी प्रेगनेंसी में लगे कि बहुत तेज़ी से सर दर्द हो रहा है, थोड़ा बड़ा जैसे कि प्रेगनेंसी में स्ट्रेस हो जाता है तो थोड़ा बड़ा सर दर्द हो जाता है कभी कभी, लेकिन जब वो थोड़े टाइम बाद सही हो जाता है, आप रेस्ट कर लेते हो, सही हो जाता है तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि बहुत तेज़ी से सर दर्द हो रहा है और बहुत टाइम हो गया सही नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे में तुरंत डॉक्टर से मिलें, क्योंकि ये हाई बीपी का लक्षण हो सकता है। इसके बाद है चौथा लक्षण जिस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जैसे कि प्रेगनेंसी में महिलाओं को थोड़ा बड़ा पेट दर्द ना पूरे 9 महीने तक ही होता रहता है, कभी पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, मरोड़ सी महसूस होती है, तो थोड़ा बड़ा पेट दर्द हो रहा है और आप रेस्ट कर लेते हो सही हो जाता है तो दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि आपके पेट में बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है, चाहे ये शुरुआती प्रेगनेंसी में हो, चाहे ये सेकंड में ट्राइमेस्टर में हो, चाहे थर्ड ट्राइमेस्टर में हो, ये नॉर्मल नहीं होता है। पूरी प्रेगनेंसी पेट में तेज दर्द नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात है, आप तुरंत ऐसे में हॉस्पिटल जाएं। इसके बाद है पाँचवीं चीज़ और लास्ट चीज़, वो है वाटर लीक होना। आपको कभी भी लग रहा है कि प्राइवेट पार्ट से कंटिन्यू ड्रॉपिंग हो रही है, लिक्विड सा निकल रहा है, किसी भी ट्राइमेस्टर में, चाहे वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, सेकंड हो, थर्ड हो, किसी भी ट्राइमेस्टर में आपको लग रहा है कि ऐसा आपकी पैंटी गीली हो रही है और कुछ वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये रिस्की हो सकता है। हो सकता है समय से पहले आपकी पानी की थैली फट गई है इसलिए ऐसा हो रहा है, और पानी की थैली फटना प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि उसी में तो आपका बच्चा रहता है पूरे 9 महीने तक, और जब उस थैली से पानी रिसना शुरू हो जाएगा तो उसमें पानी की कमी होगी और बच्चे को फिर रिस्क होगा, बच्चे का विकास रुकेगा, ठीक है, दिक्कत ही दिक्कत होंगी। इसीलिए जब भी लगे कि प्राइवेट पार्ट से ड्रॉपिंग हो रही है लिक्विड जैसी पानी की तरह बिल्कुल, तो तुरंत हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से मिले। तो फ्रेंड्स ये ऐसे मोस्ट डेंजरस सिम्टम है प्रेगनेंसी के, जिन पर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके की परेशानी ना आए, ना ही आपके गर्भ में बच्चे को किसी भी तरीके की तकलीफ हो। तो आई होप कम्प्लीट वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ आप सबसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।